नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। इस वक्त अहम खबर आपको बता दें, पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल के आरोपों पर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी करारा जवाब दिया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक के बाद एक 12 ट्वीट करते हुए एडवोकेट जनरल एपीएस देओल को घेर लिया है। एक दिन पहले आपको बता दें कि पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल ने नवजोत सिंह सिद्धू पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया था कि सिद्धू काम में अड़चन डाल रहे हैं और गलत जानकारियां दे रहे हैं। इस पर सिद्धू ने अब पलटवार किया है। पलटवार करते हुए कहा गया है कि न्याय अंधा हो सकता है लेकिन पंजाब के लोग नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी बेअदबी के मामलों में न्याय दिलाने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, जिसमें आप मुख्य साजिशकर्ताओं की तरफ से हाईकोर्ट में पेश हुए थे और हमारी सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। सिद्धू ने यह भी लिखा कि आज आप उसी राजनीतिक दल की सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो सत्ता में है और जिसके खिलाफ आप पहले खड़े थे और मुझ पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि मैं बेअदबी के मामलों में न्याय के लिए लड़ रहा हूं और आप आरोपी व्यक्तियों की जमानत सुरक्षित करने में लगे थे। ये अब पलटवार सिद्धू की तरफ से किया गया है एजी के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू गलत जानकारी फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने एडवोकेट जनरल एपीएस देओल को घेरते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि न्याय अंधा हो सकता है लेकिन पंजाब के लोग नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी बेअदबी के मामलों में न्याय दिलाने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, जिसमें आप मुख्य साजिशकर्ताओं की तरफ से हाईकोर्ट में पेश हुए थे और हमारी सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। ये ट्वीट नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से किया गया एजी के तमाम आरोपों पर पलटवार करते हुए। चमन बलानिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चमन, देखिए लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एजी और डीजीपी को लेकर लगातार नवजोत सिंह सिद्धू चन्नी सरकार पर हमलावर है, लेकिन अब जब फेस टू फेस से तीखी प्रतिक्रिया, तीखी बयानबाजी हो रही है, क्या लगता है आपको चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी कहां पर है? जी देखिए, इस वक्त की मैं अहम जानकारी दे दूं कि इस वक्त जो है जिस तरह का ये विवाद एपीएस देओल और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चला हुआ है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अभी कैबिनेट की मीटिंग खत्म होते ही तुरंत उसके बाद कुछ मंत्रियों के साथ, और जिस मीटिंग में अब एपीएस देओल भी शामिल है और एपीएस देओल के साथ अब एक अहम मीटिंग चल रही है पंजाब गवर्नर हाउस के गेस्ट हाउस में, तो कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से एपीएस देओल पर जो है अपना जवाब दे रहे हैं, और दूसरी तरफ से जब कल एपीएस देओल ने जो है नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला किया था, तो अब कहीं ना कहीं दोनों के बीच पंजाब में जो अंदरूनी कला थी जो एक बार फिर बाहर आ गई है, और पंजाब में जिस तरह जो अब आने वाले विधानसभा इलेक्शनों का कुछ ही समय रह गया, तो एक बार फिर कांग्रेस के बीच जो कांग्रेस के प्रधान है नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के एडवोकेट जनरल है उनके बीच अब विवाद जो है वो बढ़ता आगे जा रहा है। तो अब देखना होगा कि चरणजीत सिंह चन्नी की जो आज ये मीटिंग एपीएस देओल के साथ हो रही है वो कहां तक जो है वो बेअदबी और ड्रग्स के मामले में आगे जो है न्याय दिलवा पाएंगे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को, क्योंकि 18 नवंबर को है ड्रग्स मामले में एक हाईकोर्ट से भी एक फैसला आ सकता है। तो अब कहीं ना कहीं पिछले कल चरणजीत सिंह चन्नी भी कह चुके थे कि मैं गरीब हूं लेकिन मैं मजबूर नहीं हूं, तो अब बेअदबी और ड्रग्स के मामले में पंजाब की जनता को न्याय मिलेगा। तो नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ही जो है वो अब एडवोकेट जनरल पर जो है पलटवार कर रहे हैं। पिछले कल एजी ने पलटवार किया था, आज नवजोत सिंह सिद्धू जो पलटवार करते हुए सीधे तौर पर पूछ लिया है एपीएस देओल से कि आप किसके लिए काम कर रहे हो। शुक्रिया चमन पलानी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट के बाद अब कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने भी ट्वीट करते हुए सिद्धू पर पलटवार किया है। रवनीत सिंह बिट्टू ने यह लिखा है कि पंजाब सरकार पहले नवजोत सिंह सिद्धू को बताए कि वो पंजाब के लोगों के हित में क्या काम करने जा रही है, नहीं तो वो सरकार के कामकाज पर सवाल उठाएंगे। ये ट्वीट कांग्रेस नेता की तरफ से किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि लगातार गरजते हुए नजर आ रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर, और सीधे तौर पर डीजीपी और एजी को हटाए जाने को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अपना कामकाज तब तक नहीं संभालेंगे जब तक उन्हें हटाया नहीं जाता।
दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंथन लगातार जारी है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। साथ ही राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण समेत सभी केंद्रीय मंत्री जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेशों के बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य वर्चुअली तरीके से इस बैठक में जुड़े हुए हैं। खबर तो ये भी है कि इस बैठक में मुख्य तौर पर अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर पार्टी की रणनीति और तैयारियों पर चर्चा की जा रही है और पिछले 4 घंटे से लगातार इस बैठक की शुरुआत और मंथन लगातार जारी है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं और उनके संबोधन के साथ ही इस बैठक का समापन होगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी बैठक के साथ चुनावी बिगुल भारतीय जनता पार्टी ने फूंक दिया है। किस तरीके का रोड मैप होना चाहिए, किस तरीके की तैयारियां होनी चाहिए, क्योंकि 2022 का ये विजय पथ जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है, उसे आसान बनाने के लिए तमाम दिग्गज नेता एक साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में कम समय में किस तरीके से विजय हासिल की जाए इन तमाम राज्यों में। एक तरफ विपक्षी पार्टियां हैं जो कि बीजेपी को मात देने के लिए पूरी तरीके से लामबंद होती हुई नजर आ रही है और दूसरी ही तरफ आप देखिए एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पर पिछले 4 घंटे से लगातार ये बैठक जारी है। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में इस बैठक की शुरुआत हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे, राजनाथ सिंह पहुंचे और अब समापन होगा पीएम मोदी के संबोधन के साथ। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, अमित पांडे हमारे साथ मौजूद है, साथ ही यतेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अमित, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि इसी बैठक के साथ चुनावी बिगुल भारतीय जनता पार्टी ने फूंक दिया है, लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या चुनावी तैयारियों को लेकर मंथन किया जा रहा होगा, क्योंकि 5 ऐसे राज्य हैं जो कि सीधे तौर पर एक लिटमस टेस्ट होगा 2024 के लिए? जी बिल्कुल, 5 राज्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से तैयार होगी इस बैठक में इस बात पर ही चर्चा की जा रही है और प्रमुख मुद्दा यही है। और एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ, प्रस्ताव भी पारित हुआ है कि इन 5 राज्यों में चुनाव जीतना है। ये राजनीतिक प्रस्ताव था और तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे यहाँ पर, पूर्व अध्यक्ष मौजूद थे, बीजेपी अध्यक्ष मौजूद थे, पीएम मोदी 4 घंटे से भी ज़्यादा समय हो चुका है इस बैठक में वो मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर बाद ही उनका संबोधन होगा। तो कुल मिलाकर इस बैठक का अगर हम सार निकालें तो 3 प्रमुख बातें हैं। पहला, चुनाव में पुख्ता तरीके से बीजेपी उतरेगी और जीत ही मूल मंत्र है इन 5 राज्यों में, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जो सरकार की नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचाया जाए। कोविड काल के दौरान कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से काम किया, उनका हौसला लगातार बरकरार है, वह जनता के साथ संवाद स्थापित करें। और तीसरी जो अहम चीज़ है कि सरकार की परियोजनाओं के साथ साथ आम जनता को किस तरीके से जोड़े, आम जनता को भी साथ लेकर चले, जन भागीदारी, इन 3 चीजों पर यहाँ ये चर्चा हुई है। इसके अलावा कुछ अल्पकालीन लक्ष्य भी दिए हैं बीजेपी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को, जैसे कि 6 महीने के भीतर भीतर 10,45,000 बूथ तक पहुंचना है। इसके अलावा जो पार्टी की संगठनात्मक प्रक्रिया है उसमें भी तेजी लाई जाए, तो ये अल्पकालीन लक्ष्य हैं जो कि 6 महीने में कार्यकर्ताओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को ये भी इस बैठक में संदेश दिया गया कि आप तैयार रहिए, चुनाव के दौरान बड़ी से बड़ी जो चुनौती है उसका आप सामना करिए और जो सरकार की बातें हैं वो जनता को आप पुख्ता तरीके से समझाइए।